मैंने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा और बहुत ही ज़्यादा फेमस वेब सीरीज भी देखा होगा। तो आप लोग को दिखाते हैं मिर्जा पुलिस स्टेशन। हाँ सर जी, अभी मेरे को कुरकुरे दे रहे हैं खाने के लिए। सुबह उठ के कुछ भी नहीं खाया हूँ अभी तक। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज स्टेशन में। करते हैं हम अपने ट्रेन को बाय बाय और चलते हैं आगे होटल की तरफ। तो बाकी के ट्रेन का सफ़र आप लोगों ने देखा ही था और अभी चलते हैं होटल और होटल चल के आप लोग से अच्छे से बात करते हैं। तो अभी चल रहे हैं हम अपनी सवारी की ओर और यहाँ पर आप ऑटो देख सकते हैं, कुछ अलग टाइप का है। आप आगे तो ये हमारा आज का सवारी, कुछ अलग टाइप का ऑटो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ऑटो में बैठ के अपने होटल की तरफ। देखिए आप लोग प्रयागराज का जो शहर है किस किस प्रकार दिखता है। अभी वेट कर रहे किसी और का शायद, तो यहाँ से फिर बहुत गर्मी हो रही है और लगभग हमारा ट्रेन एक घंटा लेट था। तो पहुँच तो गए हम लोग, ज़्यादा लेट भी नहीं था, बहुत जगह रोक रोक के लाया, लेकिन एक घंटा में मैनेजेबल है वो तो। ट्रेन में एक घंटा मतलब ठीक ही है। तो अभी चलते हैं होटल में और होटल पहुँच के आप लोग से बात करते हैं। इतना देखने से मिल रहा है कि यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक ऑटो ज़्यादा चल रहा है, यूज़ आ रहा है। पुराने इमारतें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है यूपी में। भांग की दुकान, वाव, भांग की दुकान। तो जितना भी देखो आप लोग को ई व्हीकल ही देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कितना सुंदर मार्केट है और ये गली के अंदर। ये वो आश्रम जो कि मैं आज यहाँ पर रुकने वाला हूँ। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे आश्रम में, जैसे कि आप लोग को दिखाया, रास्ता भी दिखा दिया, सब दिखा दिया। अभी लेते हैं हमारा रूम। तो यहाँ पर दो टाइप के रूम अवेलेबल है, जो कि एक फ्री है रूम और एक है पैसा वाला। तो अभी चलते देखते हैं कि फ्री वाला रूम कैसा है और पैसा वाला रूम कैसा है। देख रहे हो आप लोग रूम, ये रूम जो है यहाँ पर है, ये एक रूम है और 24 घंटे के लिए ये रूम दिया जाएगा और यहाँ पर लेटरिन बाथरूम है। लेकिन ये रूम का 300 रुपया पर डे। तो अभी चलते हैं करने लंच। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। अभी चलते हैं नीचे, आए हैं लंच करने के लिए। तो अभी आपको चल के दिखाते हैं यहाँ का होटल कैसा है। यहाँ का होटल और हमारा थाली यहाँ पर लग चुका है और देखते हैं आज यहाँ पर खाने में क्या क्या मिलता है। थाली में यहाँ पर भात, दाल, चना का सब्जी और एक पालक आलू का सब्जी और अचार और सलाद। ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम यूपी का खाना। खाना खाएंगे भैया? नॉट बैड। सो ये ऊपर से कुछ इस प्रकार का है, देख पा रहे हो। ऊपर भी ऐसे बहुत सारे रूम्स हैं और यहाँ सब फैसिलिटीज दिया जा रहा है। सो गाइस, अभी मैं लंच करके आ चुका हूँ। चलिए चलते थोड़ा सा रेस्ट कर लेते ट्रेन में आज की।
ज़्यादातर रेस्ट नहीं हो पाया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, जैसे कि मैं आप लोग के साथ शेयर किया, मैं अपना सीट किसी के साथ शेयर कर रहा था क्योंकि उनके पास टिकट कंफर्म नहीं था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था। मैं उनके साथ रात को सीट शेयर किया हूँ, तो आज ठीक से सो नहीं पाया हूँ, तो थोड़ा सा चलते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी टाइम बज रहा है 1:30 और लगभग 4 बजे हम लोग को जाना है यहाँ पर जी, मतलब जो आश्रम के जो मतलब जो है गुरु जी, या फिर पता नहीं उनके, मेरे मौसा जी जैसे बताए मेरे को, तो उनके पास जाना है, उनसे बातचीत करना है, क्योंकि कल हम लोग का काम होगा सुबह से, तो अभी जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आप लोग से बात करते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज मैं जस्ट रेस्ट कर ही रहा था कि उधर से वो उनके लोग आए और मेरे को बुलाने लगे, तो जिनके आश्रम में मैं रह रहा हूँ अभी, वो महाराज जी अभी आ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करने के लिए कल के लिए बुलाए हैं, तो अभी चलते हैं नीचे और बात करके आते हैं उनसे। तो ये है उनका जो जहाँ पर महाराज जी आने वाले हैं, वहाँ पर अभी नाम हम लोगों ने एंट्री करवा लिया, तो ये मेरे को एक प्रकार का फॉर्म मिला जिसके लिए मुझे कल जाके काम करवाना है। गाइस फॉर्म मिल चुका है और हमें मिला है कल सुबह 7 बजे का टाइम, तो हम लोग अभी फिर से रूम में आ चुके हैं और थोड़ा अभी निकल रहे हैं नीचे तरफ और कोशिश कर रहे हैं आप लोग को दिखाने की, प्रयागराज का जितना हो पा रहा है हम लोग से थोड़ा थोड़ा। सो अभी निकल के आ चुके हैं हम लोग रूम से और सामने का आप लोग को दृश्य दिखाते हैं और बताइएगा कैसा है। सो ये रहा सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार का, तो देखते ही देखते हम लोग आके पहुंच चुके हैं कुछ इस प्रकार का जगह में, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ अंकल लोग बैठ के फिशिंग कर रहे हैं और ये एक है बोट क्लब, इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर। पीछे आप लोग देख पा रहे हैं इधर एक ब्रिज है और ये एक ब्रिज है, इसे हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं और मैं इसके आसपास ही रह रहा हूँ, तो आप लोग को शाम को लेके जाऊंगा, वो जगह भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक क्रिकेट मैच चल रहा है बच्चों का। मौसा जी और मैं घूमने निकले थे, जैसे कि आप लोग दिखाए बोट क्लब और थोड़ा सा दिखाया, इसको अगर आप लोग को पूरा देखना है तो मैं यहाँ का 5 जगहों के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरा सेकेंड चैनल में आप लोग को मिल जाएगा, तो उधर जाके आप लोग विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा। वो रहा हैंगिंग ब्रिज और हम लोग को अभी जाना है पूरा सीधा। तो ये हैंगिंग ब्रिज में जाने का रास्ता, हम लोग वहाँ से रिटर्न आते वक्त हैंगिंग ब्रिज में जाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड अलाहाबाद वेलकम्स यू, तो देख पा रहे हैं किस प्रकार का गेट है और इसके अंदर अभी और सीधा जैसे कि मैं बता रहा हूँ हम लोग को और आगे जाना है। इसका नाम है मन कामेश्वर टेम्पल जो कि शिव जी का मंदिर है, चलते हैं आप लोग को लेके अंदर और दिखाते हैं मंदिर परिसर। तो ये है यहाँ के मन कामेश्वर के शिव जी कुछ इस प्रकार के। आई होप आप लोग को ये मंदिर अच्छा लगा होगा जो महादेव जी का मंदिर था, तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो अभी तक तो प्लीज़ कमेंट में बताइए हर हर महादेव, लिख के लिखिए जल्दी से। और तो हैंगिंग ब्रिज में जाने के लिए रास्ता कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर हम लोग अभी चढ़ेंगे यहाँ से, का निचला हिस्सा कुछ किस प्रकार का दिख रहा है आप लोग देख पा रहे हैं, अभी चलते हैं इसका ऊपर। अभी आया थोड़ा पे, यहाँ पर स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, चाट खाते हैं यहाँ का और ये बन रहा हम लोग का चाट, तब तक थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, यहाँ का चाट ट्राई करते हैं। अभी आलू टिक्की मंगाया है मौसा जी बोल के, अभी देखते हैं मौसा जी से पहले पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा है, अच्छा है, खा सकते हैं तो अच्छा तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग अभी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ का थोड़ा पानी पूरी भी ट्राई करके देखते हैं और आप लोगों को बता दीजिए कैसा लग रहा है, तो ट्राई करते हैं यहाँ का पानी, मुंबई वाला तो फील आ रहा है इसमें, तो खा के देखते हैं। ये है हमारा पापड़ी,
अभी हम लोग आए हैं गन्ने का जूस पीने, देख पा रहे हैं गन्ने का जूस यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ का लोकेशन देख पा रहे हो, हैंगिंग ब्रिज के ठीक हमने हम लोग गन्ने का जूस अभी पीने खड़े हैं। लाइन में आप लोग को बहुत सारा स्ट्रीट फूड दिख जाएगा, लाइन में लगा हुआ है पूरा। तो ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने देखा कि आलू टिक्की ट्राई किया, पानी पूरी ट्राई किया और गन्ने का जूस ट्राई किया, और पानी पूरी खा के पूरा मुंबई का याद आ गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मौसा जी भी बोले कि मुंबई वाला लगता नहीं, पूरा मुंबई वाला फील आया पानी पूरी खा के, तो मज़ा आया। पानी पूरी बेस्ट था अभी तक का। हम लोग रूम में जा रहे हैं, फिर से थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा लेट होने से अंधेरा में निकलेंगे और थोड़ा दूसरे साइड मार्केट देखने की कोशिश करेंगे और क्या देख सकते हैं। रेस्ट कर लिया, रेस्ट किया, आए थे तो करंट नहीं था, थोड़ा लेटे थे और मैं मोबाइल में थोड़ा वीडियो एडिट कर रहा था आप लोगों के लिए। तो अभी टाइम हो चुका है लगभग 8:30, तो अभी चलते हैं थोड़ा दूसरे मार्केट की तरफ निकलते हैं और देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो वहाँ से खा के डायरेक्ट रूम में आएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग एक दूसरे साइड इस बार आए हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे ये नीचे रोड गया है और ऊपर ट्रेन लाइन गया है इसका। तो अभी चलते हैं, इधर क्या है कुछ पता नहीं हम लोग को, बस चल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या है, अगर नहीं होगा कुछ तो हम लोग रिटर्न कर जाएंगे फिर से। घूमते घूमते हम कुछ इस प्रकार का एक बड़ा मार्केट में आ गए यहाँ का, और जो कि वाकई में यहाँ पर बहुत सारा खाने पीने की चीज़ें भी हैं और बहुत सारा दुकानें, लगता है वो एरिया का ये बड़ा मार्केट है। फ्रूट्स ले रहे हैं क्योंकि कल मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना प्याज लहसुन का कुछ खाना पड़ेगा और सुबह 7 बजे निकलना है तो कुछ नहीं खा कर सकता, तो अभी बनाना ले रहे हैं कल के लिए। आई होप आप लोग को अभी तक प्रयागराज का ये गली और जो भी मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अभी तक अच्छा लग रहा होगा। तो अभी बने रहिए, अभी डिनर करते हैं आगे जाके कहीं पे और डिनर करके रूम के लिए निकलते हैं। तो अभी आके हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, कचौड़ी और सब्जी यहाँ का बहुत फेमस है, तो ट्राई करते हैं यहाँ का कचौड़ी और सब्जी। समोसा कचौड़ी और यहाँ का गुलाब जामुन भी ट्राई करेंगे, सुनने को मिला है गुलाब जामुन और कचौड़ी यहाँ का बहुत ही फेमस है, तो ट्राई करते हैं इसको। चलिए तो लेके आए गुलाब जामुन और मौसा जी खा रहे हैं ये। कौन कौन देता है इमरती ना, कौन इमरती तो नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, गुजिया ना, हाँ गुजिया 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 खा रहे, गुजिया के अंदर गुजिया ठीक हो चुके। अरे ना कचौड़ी खास नहीं ना, नॉर्मल नहीं ना, खा लेते गुलाब जामुन फिर आप लोगों को बताते ओवरऑल कैसा लगा यहाँ का ट्राई करके। तो वहाँ पर टेस्ट करके उतना कुछ खास नहीं लगा, कचौड़ी और सब्जी जो था वो एज यूजुअल जैसा हम लोग का लगता है उतना भी खास नहीं था, और गुलाब जामुन मैंने ट्राई किया वो भी थोड़ा टाइट ही था और मज़ा नहीं आया, मिठाई में भी मज़ा नहीं आया और कचौड़ी भी मिक्स रेस्पॉन्स था मेरा भी और मौसा जी का भी, तो कुछ उतना खास नहीं था। तो देखते हैं आगे और निकलते हैं अभी रूम की तरफ। यहाँ भी पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है क्योंकि बाराती निकल रहा है ये होटल से, देख रहे कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ रहा है अभी अंदर अंदर घुस घुस के। फ्रेंड्स अभी आके हम लोग रूम में पहुँच चुके हैं, एक्चुअली हम लोग ने और डिनर किया ही नहीं क्योंकि वो कचौड़ी और गुलाब जामुन खाने के बाद थोड़ा मन नहीं किया, मौसा जी को भी मन नहीं किया और कुछ खाने का, तो हम लोग स्प्राइट ले आए हैं पी लेंगे थोड़ा ताकि हजम हो जाए, फिर सोते हैं और आज के ब्लॉग पर यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर हो सके तो आप लोगों के साथ शेयर भी करें। बाय बाय।